तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच जो है इसको सॉल्व करते हैं। स्टॉपवॉच है उसकी लिस्ट काउंट मेंशन है, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट कितनी है, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट जो मेंशन है वो उसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डेल्टा टी 1/5 सेकेंड, ठीक है, या 0.2 सेकेंड। लिस्ट काउंट जो है 0.2 सेकेंड दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है कि मैं लिस्ट काउंट दिया हूँ, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ये जो चीज़ होती है उसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो वो 20 ऑसिलेशंस हुआ, 20 ऑसिलेशंस, और उसमें टाइम कितना लगा, टाइम टाइम जो लग गया वो कैपिटल टी, वो 20 सेकेंड, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ये टाइम लगा है, सिर्फ हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। 20 ऑसिलेशंस का हमने टाइम नोट कर लिया कि 25, सॉरी ये 25 होता है, ठीक है, 25 सेकेंड ऐसा मतलब हम लोग नोट कर लिए, ये 25 सेकेंड एक टाइम पीरियड है, 25 सेकेंड, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने कितने परसेंट की एरर की उसको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर इस एक्सपेरिमेंट में, इस मेजरमेंट में, कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। तो डेल्टा कितना है, 0.2, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कितना है, 25, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना हम लोगों को, ठीक है ना। तो परसेंटेज यहाँ आता, तो ये 25 25 1400 और 0.8% की एरर आ गई, ठीक